गाते को इन सीता माझी ब्लॉग ओडिशा खन आर इन सांतारी ब्लॉग रे आपन जते होड़ा से गुंदराम हेलो दोस्तों वेलकम टू सांतारी ब्लॉग। सो गाते को तीन थर्सडे गार्डन ओवरव्यू तहना जहाँ चे एहो भी आने दूर खो गई निये हो गई आने किसी तीन स्नेक दारे में ना और अंडे इन ईयर पीच ले ले दारे सॉरी आने तीन गुलची बहा दारे जहाँ चे निया घुटुक बे बे ते से ना टाइम लगा करना बहा लगे आर दारे कंडीशन ते नॉनिका आर नेड़े दो हुआ कहीं आर नेड़े तीन किसी मैंने एडिंग मारे दारे का ना सो ग्राफ लादी नोडे सो मिटा ग्राफ्टिंग नुनि खराब है ना सो नुनु इदु गानो कना चे बांगा नियल गे सो उनि ओचो के इनहा आनेरे तें जहा चे मोली बहा दारे को धोके आ 9% के साफा न्यो के जे दा चे नडे को खली के कुंडो को ताहे के ना आ जहा को दारे चबा कना उनको को जते साइड दिखो को नहीं आनेरे मरी दारे में ना आनेरे तें पेंटास दारे को मना को अन तो पेंटास के बेस बहा कना को आ दारे हो ठीक तहना को अन को परमानेंट बहा दारे कना को नुकु दो नडे सितु बा को न्यामे आ नते पाको बहा का सो इनको जितना धूप मिलेगी उतना इसमें फ्लावर खिलता है। सो यहां पर जहां पर मैं इनको रखी हूं यहां पर इनको धूप ही नहीं मिलती है सिर्फ ना के बराबर में यानी कि बिल्कुल ही नहीं मिलती बोल सकते हैं। सो इसलिए इसकी कंडीशन थोड़ा सा ऐसा है और जितना धूप मिलेगा ये उतना अच्छा ब्लूमिंग करेगा और उसका यानी कि प्लांट का ग्रोथ का साइज भी बहुत खूबसूरत रहता है। और नोडे तीन नूनी जहाँ इंडोर दारे नहीं हो बेस किया आनेडे बेगोनिया सो बेगोनिया अब जितने जल्दी हो सकते है उसकी कटिंग लगा लीजिए जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। आनेड तीन लिलियम दारे को मैं जैसे ठीक गया को फर्टिलाइजर को नोडे तीन ऑर्किड दारे का आनेडे तीन पीच लिली में आर दारे को जैसे ठीक गया को अनुकु दारे को नोडे मिट साइड धोकर को इन सबको एक साइड में रख दी हूँ। और यहाँ पर वाटर लिली और जो कि मछली यहाँ पर है यहाँ पर छोटे छोटे मछली जो कि और भी बेबीज दिए हैं सो आर होपना कर को आको आर मैंने को ठीक गया आनेडे तीन झरवेरा दारे में आया सो उनको को चिन्ह चिका का नौ मिट गुलची दारे का आर झरवेरा चितान चिन्ह चिका का नो नुकु को कई धरा खाद एम दरकार आर मैंने फंगी साइड हो एमती हुई है आनेडे किसी कटिंग रोहे कर को जैसे नुकु हो ठीक गया को आर नेडे को जैसे खली दिखे को आ दारे को चिन्ह बनू को आ नोडे ग्लाडियस बल्ब ताहे करना सो उन्हें ग्रो आकना आ नेडे सर्कुलेंट जो नुनी रिपोर्ट ला दी सो नेडे उमूल लगे दोहा करके नहीं चला चिन्ह किन दोहो लगे जगह बनू सो इन दोनों को रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रहा है सो ऐसे ही मैंने यहाँ पर रास्ते पर रख दी हूँ आर नुकिन की निहाती जगह दरकार है आने तीन नुकु को सर्कुलेंट को जैसे ठीक गया को हैंगिंग प्लांटर आने तो सितुम बाग को बाजा कर यानी सितुम के बाद सितुम एक खाना सितुम जामा को का खोल फिर भी दारे तीन ठीक गया तरह तरह इन चेक बड़ा को का नहीं इनको धूप चाहिए जो कि अब तो बारिश ही हो रही है तो क्लाउडी वेदर तहन करना सितुम उनका बाय नाम है और हम तो कि चेक चेक निहाती दरकार आज जैसे सकुलन तीन बेस गया को और हेल्दी गया को जैसे ठीक है चढ़ा करना को जहाँ को नित रिपोर्ट कर को उनको कहो ठीक गया को जिनको मैंने अभी रिसेंट रिपोर्ट की थी वो सब भी बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी ग्रो करे। और अभी थोड़ा सा सकुलेंट में यानी कि लॉन्ग ऊपर की तरफ यानी कि बहुत ज़्यादा ही गैप ले रहा है मैंने लॉन्ग नहीं लग करा सो टॉल ही ग्रो हो रहा है जैसे कि इनको धूप मिलेगी तो वो अपने कॉम्पैक्ट लुक में आ जाएंगे पर धूप नहीं मिल रही इसलिए ये थोड़ा सा लेगी सा और लंबे से ग्रो हो रहे। और ये वाले जो सर्कुलेंट के लिप सब कीड़ा खाया है सो कीड़ा तीजू को मैं बाको नाम तीन जो मैं आपको ठीक हो बाई ठीक करना और सकाम जितते तय चबा आका और बाकी बात ना सर्कुलेंट को तो ठीक गया को और नुकू को आह ग्रोथ बेस्ट गया कर सितुम के दरकार इन सबको अब धूप चाहिए जितना धूप मिलेगा उतना अच्छा है उनके लिए सो प्लांट बाकी बात ठीक ही है। आनू को कर जहाँ को लिप को प्रोपोगेट कोई किसी की कुछ कुछ लिप खराब हो रहे हैं कुछ कुछ लिप प्रोपोगेट हो रहे हैं सो वेदर यदि आते हैं उनको को प्रोपोगेट आको आज जितने बाकी बात ठीक गया को आ नो तला तला को रहो निके सकाम धो कर कोई सो बीच बीच में जहाँ पर भी पॉट खाली है या तो सॉयल है वहाँ पर मैंने एक दो लीफ छोड़ी हूँ जैसे कि इनकी प्रोपोगेट होती चले मैंने हुई हुई दी माँ प्रोपोगेट सो मिट्टे को दारे आर हम मल्टीप्लाई दी माँ को अनु ही हो नियत होगी एडा कर बेस के अनुकु को नियल को पे जहाँ से नुकू कर ग्रोथ हो स्टार्ट इनके इनकी लिप के ऊपर बेबी प्लांट भी आ चुकी है। और इसमें भी देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी और यहाँ पर तीन लिप्स में रखी हूँ तीन प्रोपोगेट हो चुके हैं और लातारे नुकु सकुलेंट और कैक्टस में ना को जैसे नुकू को हम ठीक गया को और दावन दूल कर को नुनु सकुलेंट जहाँ से नुई हो बड़ी बेस्ट ग्रो आकना या पोट साइज बराबरी ग्रो है ना। और ये वाले सकुलेंट जो कि इसके पोट ही दिख ही नहीं रहा है सो पूरा कवर उतरा कर और पोट नियल के बाद नियल होकर पूरा राउंड शेप ते ग्रो आकना बेस्ट ग्रोथ हुई है ना हम आ नेडे जितने नुकु को हमें आपको आ नुकु को नोडे इनको अब मैं यहाँ पर रखी हूँ जैसे इनको उतनी ज़्यादा पानी ना मिले बारिश का पानी आ नुकु को ठीक है। और बीच बीच में आपको ऐसे चेक करते रहना जैसे कि जिस भी प्लांट के लिप से खराब हो रहे हैं तो गल रहे उन सबको आप साफ कीजिए उन सबको प्लांट में ना छोड़े जैसे दारे जो अड़ा का खान बाकी बात सकाम को इन्फेक्ट हो आपको सो उन्हें नुकु को तो साफा बीच बीच में आपको साफ करते रहना
थोड़ा सा चेक करते रहना है। और आनुकु को ठीक गया को आनेडे नुकु को सकाम को नुरु बड़ा कना को सो उनको को हो ये दे कोई आनेडे नुकु को दा बजाओ को कना। सो बीच बीच आप मन में एक बार फंगीसाइड जरूर दें, इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दे वो अच्छा रहता। और ये वाले देखिए इसमें दो बर्ड्स आए हैं सो छोटे ही सो हुडिंग गया को बर्ड्स सो वे वेतन हाँ मारा ही दिया को अनोडे तो बाय ही जाए कना। सो आर किसी दिन पर गया हो ठीक आनेडे बारे एडिनियम तारती में ना आनेडे लोटस तारती में आनेडे गुला सितारे जहाँ चेनु या हो अड़ी चेरा बेस नियर ओकरा आनोने के सेपरेट टाटे जो जगह माई खाना अड़ी बेस बहा बहा आए सॉरी तारे लुप्त चेरा नियर ओकरा आनेडे तीन एडिनियम में ना को जाते ठीक गया को। सो इसमें फ्लावर नहीं आए हैं, बर्ड्स भी नहीं है, पर प्लांट की ग्रोथ अच्छी ही है। आनेडे को नुकु को ठीक गया को आनेडे नु यारे के हुटुआ कना को सो नेले चलका बाहा कना इमे हिडिंग के दारे मा एडा कर गई पर हिडिंग के चलका बाहा ना था। आ दारे जते अड़ी हेल्दी गया को और बेस के ग्रो कना को आर तला तला रे कई फर्टिलाइजर एम निहाती दरकारा। सो एम एम आर को इंगता आनेडे मॉस रोज यानी सॉरी टेबल रोज लेकना के नो दारे कना सो बाहर हुड़ी हुड़ी गया। सो फ्लावर इसका बहुत छोटा है पर टेबल रोज की तरह ही दिखता है। और यहाँ पर मदर मदर ऑफ थाउजेंड जो कि दो प्लांट मेरे खराब हो गए और दो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और नड़े होते ही मैंने कहा किसी से कुलन आर नो अवर थे ना सो इनके बेबी पॉप्स को निकाल के मैं रिपोर्ट कर दूंगी तो इसमें से भी ग्रो हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। एडिनियम ठीक है आनेडे पेंटस जो कि ये पेंटस एक ही मैन मिट्टा पॉट में मिट्टा के दारे करना एक पॉट में एक ही प्लांट है। और इसका ग्रोथ देखिए बहुत ही हेल्दी और बहुत खूबसूरत है। और फर्टिलाइजर तो मैं अभी तक इसको दी नहीं हूँ सो फर्टिलाइजर एम आई खान आर हो बेस मैंने इसमें फ्लावरिंग आएगी। सो इसमें भी एक ही प्लांट है और एक ही पॉट में है 6 इंच के पॉट में है और ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी और बहुत यानी कि राउंड से भी दिया का। सो फर्टिलाइजर एम आई खान और एक बेस ये आए मैंने बाहर आया हूँ इसको धूप मिल रही है इसलिए इसकी प्लांट का यानी कि ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। और नेड़े को जितने निकलिए मैंने आपको वाटर लिली प्लांट सब मेरे यहाँ पर ऐसे ही है सो उनको को फर्टिलाइजर बनिया मा कर कोर उनका के मैंने आपको और नित को तो बनिया बड़ा को करना आ नेड़े तो इन्होंने गुलछी दारे सो न्यू एड़ा कदी न्यू के हो आ नेड़े होती एडेनियम दारे को मैंने आपको आ नेड़े न्यू निकले पे ग्राफ्ट जहाँ ग्राफ्टिंग आकना ओंडे खोज के बर्ड्स उड़ोग आकना और उनका के ना बाहर आना आनुकु को बहिंग रिपोर्ट कर को नोडे तेंग जत्ते सकुलेंट दारे को के दोहा कर कुई जहाँ से नुकु को जस्ती दा आलोमा को न्यामा। सो बारिश का पानी इनको ज़्यादा ना मिले इसलिए मैंने इनके ऊपर यानी एडेनियम के प्लांट के ऊपर में रखी हूँ। और ये इसमें अभी तक ब्लूमिंग नहीं हुई और इसमें देखिए ये ब्लूमिंग हो गई है और इसको जितना धूप मिलेगा उतना अच्छा रहता है। सो बेस गया कलर नहीं हो आ सितुम नड़ेगी न्यामा को आने तो जहाँ से 12 दिन को सितुम बाय सितुम है 2-3 दिन से हमारे इधर यानी कि धूप निकल ही नहीं रही क्लाउडी वेदर रह रहा है। सो क्लाउडी के तहन का ना आधा हूँ बाय दागे सो बारिश भी उतनी नहीं हो रही पर वेदर थोड़ा सा क्लाउडी ही है। आर नुह बर्ड से जाकना आने किसी तीन कटिंग लगाओ करना को सो कुछ मेरे इन पेशेंट की कटिंग लगी हुई है जो कि ग्रो हो गए हैं और नड़े तीन नुआ कैक्टस जा रहे हैं उन्हें हो ठीक गया आने सकुलेंट हो किसी दोहा कर को आने जिन जिन फाइकस जहाँ से नु या हो ग्रोथ अड़ी पैसा इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसमें देखिए मैंने प्रूनिंग लाइट प्रूनिंग कर दी थी और जिस जिस ब्रांच में प्रूनिंग की थी वहाँ वहाँ से देखिए दो दो ब्रांच न्यू ग्रो हो गए। आप जितना प्रूनिंग करेंगे उसमें उतने ब्रांच आएंगे और उसमें बहुत अच्छे लिप्स आएंगे। आनेडे सीतम दारे नुह ठीक गया है आने मीठा सीतम लगावा करना आनेडे नो ना हो ठीक गया को आने मीठा बहा दारे ये वाले देखिए इनपेशेंट तो नहीं है पर इनपेशेंट की तरह ही इसका फ्लावर है। और नोड़े हो ठीक गया आनेडे पाइन एपल दारे सो नूनी बचाव करना चाहिए बांग बस नैना के ताहे करना था तो नूनी की रोह ही करी सो लिप मस्त आए ठीक गया आने पेपरोमिया जहाँ से नुह बेसा है। और ये पेपरोमिया जो कि एक ही लिप से मैंने ग्रो किया और करी पत्ता का प्लांट थोड़ा सा खराब हो रहा है आनेडे कैलेंथिया को जितने थी ठीक गया को आनेडे कैक्टस ठीक है आना साइक्लोवाइन सो नुई हो ब्लूमिंग गया सो बाहा हुई बड़ा पर आर हो नेक्स्ट ब्लूमिंग स्टार्ट एन गया नुया आर बेस गया आर डेंथस नुई हो ठीक गया तेज आ नुई कटिंग को नहीं तो लगा दड़ा को आपे आर नोडे मधु काम नहीं जाऊ जहाँ चिन्ह ना मीडियम वाला वेराइटी का ना इसके बहुत बड़े बड़े लिप्स रहते हैं। और इसमें देखिए फ्लावर का साइज भी थोड़ा सा बड़ा रहे है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। अब आप मधुकामनी को ऐड कर सकते हैं जो कि नर्सरी में आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। और बेस्ट अनुकु को फ्रेग्रेंस नू या बेस्ट है ना आने तीन न्यू जहाँ एडेनियम ऐडा कर को अनुकु को ठीक गया को अनुकु का ग्रोथ हो ठीक गया और तो दा नामक आको सो धीरे धीरे करके नुकु हो स्टेबल आको ना अनुकु को तो 4 इंच पॉट रहे ना को इन सबको मैंने 4 इंच के पॉट में लगाई हूँ सो ठीक गया को नहीं तो हम दा माँ उनका बायदा गया तो दारे तीन नड़क भारे ओपन के धोकर को आने तीन सॉरी एडिनियम दारे को मैंने आनो ना तो इंडो दारे नुई हो बेस के ग्रो आकना आ ठीक के ग्रोथ नुया हो मेरा
आर नेड़े ते इन को फर्टिलाइजर बन जमा कर को आर नेड़े गुलसी दारे कटिंग रोहे कर। सो प्लूमेरिया की कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई हूँ और इसमें देखिए बर्ड्स भी आ गए हैं। सो कटिंग ग्रो नहीं हुई है फिर भी बर्ड्स थे। सो बाहर आना आर तीन गुलाब दार है। गुलाब का प्लांट का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है मेरा आर नेड़े नो अपरा जितना नहीं हो ठीक है। आर तेना ब्लॉग रहे तो नहीं लगी आर ब्लॉग जितने कुछ कर लाइक पे शेयर पे सब्सक्राइब।